दोस्तों जब इरादे सही हो ना तो काम भी सही होता है। इसी तरीके से देख सकते हैं कि टीवीएस स्टार सिटी बाइक का मैंने जो इंजन खोला है इसमें मैंने पिस्टन ओरिजिनल डाल दिया। यहाँ देख सकते हैं इसका जो पिस्टन है ये बिल्कुल जेन्युइन है, ओरिजिनल है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बल्ब का ये पैकिंग है, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल है। और साथ में जीपीडी, मैंने बाइक को पहले चलाकर देखा था, जीपीडी का साउंड था, हन 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 सन सन का जो आवाज़ होता है गियर मिला के जो चलाते हैं उस टाइम में सन सन का आवाज़ आता है वो जीपीडी का आता है। और इंजन से जो खरखराहट सी आवाज़ आती है वो पिस्टन और क्रैंक। मैंने आवाज़ आपको सुना नहीं सका क्योंकि बगल में जनरेटर चल रहा था, यार मैं क्या बोलूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं सुना सका क्योंकि साउंड जो है ना इसकी वो पता नहीं चल सकता कि किस तरीके से साउंड आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं हमारे दुकानों पे अखा मखा कोई भी चीज़ बेवजह का चेंज नहीं किया जाता है, ये इतना मैं गारंटी से कहता हूँ दोस्तों, बिल्कुल हम पे भरोसा रखें। ये देख सकते हैं ये जो मैंने कनेक्टिंग जो डाला ये MB का डाला, जो सबसे बेहतरीन कंपनी का होता है, सबसे यानी कि नंबर वन पे जो चलता है वो MB का चलता है ये कनेक्टिंग मार्केट में, ठीक है। अब मैंने MB का ओरिजिनल डाल दिया, बिल्कुल भी दिल में कोई भी किरा नहीं रखा कि हमें पैसे कमाना है इस बाइक में। और ये देख सकते हैं ये बेरिंग देख सकते हैं दोस्तों, ये बेरिंग मैंने बिल्कुल न्यू डाला और इसमें मैंने NBC का बेरिंग लगाया है, 6205 साइज आता है ये, NBC का दोनों बेरिंग मैंने नया डाल दिया। और माशाल्लाह मैं जिस तरीके से मैं काम किया हूँ इस बाइक का इंजन का, मेरे हिसाब से इंजन का साउंड बहुत ही अच्छी निकलेगी। साथ में हमें टाइमिंग चेन भी डालना होगा क्योंकि टाइमिंग चेन भी लूज था, वो भी हमें डालना है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वाल की समस्या, जो मैंने आपसे कहा था कि वाल जो है वो ये वाल हिलना नहीं चाहिए, साइड पले नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये साइड पले बिल्कुल भी नहीं है। यार एक हाथ में मोबाइल है, मैं दिखा तो नहीं सकता हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं जो दिखाना चाहता हूँ पहले मैंने क्या दिखाया अभी दिखाता हूँ। फिर भी अभी दोस्तों ये मैंने वाल नया डाल दिया, दोनों बल्ब मैंने नया डाला। अब मेरे पुराने वाले में जो आपको दिखाया था कि ये साइड पले नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल साइड पले था, बहुत ज़्यादा हिल रहा था। और साथ में हम जो कंप्रेसर इसका चेक करते हैं यहाँ से उंगली लगा के, इस पर हम उंगली लगाते हैं इस तरीके से और फिर इधर से हम खींचते हैं तो ये आवाज़ नहीं आ रहा था, यानी कि ये एक कंप्रेसर है, वाल का ये कंप्रेसर है, देखिए ये एक कंप्रेसर है जो वापस उधर खींच लेता है। ये अगर गाइड लीकेज अगर हो जाए, गाइड ज़्यादा पले हो जाए तो इससे भी ऑयल आपका उठाना शुरू कर देगा, इंजन को ऑयल घटना शुरू हो जाएगा इससे। अब इस तरीके से खींचेंगे तो ये साउंड करना चाहिए, तो ये बिल्कुल एक गाइड से ख़राब था, मैंने इसका एक गाइड से चेंज कर दिया। और दूसरा जो ये इंटेक वाला है जो बड़ा भर वाला है ये बिल्कुल सही था, तो ये मैंने इसको छोड़ दिया। इसका भी हल्का गाइड पहले था लेकिन दोस्तों जब वाल चेंज करते हैं तो वाल चेंज करने पर भी कुछ सुधार आता है, क्योंकि जब वाल चलता है आगे पीछे तो ये भी घिसता है साइड का हिस्सा। दोस्तों काम होता है पार्ट्स पे, अगर सारे पार्ट्स अगर सही तरीके से आप सारे पार्ट्स अगर डाल देंगे तो इंजन का आवाज़ आना बिल्कुल जरूर बिल्कुल आवाज़ सही रहेगा, इंजन का आवाज़ बिल्कुल सही आएगा अगर सही पार्ट्स डालेंगे, सही काम करके देंगे तो। साथ में ये वाल सील भी है देख सकते हैं, मैं आपको पिस्टन एक बार दिखा देता हूँ। अब पिस्टन देखिए यहाँ पे जो मैंने डाला ओरिजिनल, इसका जो फिनिशिंग है ये ज़्यादा टाइट नहीं रहना चाहिए इस तरीके से, जैसे हम इसको धक्का देंगे ये इस तरीके से चला जाना चाहिए फ्री, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसे अगर ज़्यादा टाइट रखेंगे तो इसका रिंग जो है रिंग सीज कर जाएगा, गरम होके वो इसका टेम्पर ख़त्म हो जाएगा रिंग का और जल्दी से धुआं मार देता है इसी की वजह से, और साथ में पिस्टन भी स्क्रैच हो जाता है। तो पिस्टन को हमें लूज ही रखना चाहिए, अब उतना ही लूज ना रखें जो कंपनी से आता है लूज पूरा, जो गिर पिस्टन को ऐसे लगाया और इस तरफ से गिर गया उस तरह का नहीं करना चाहिए हमें। दोस्तों बस हमें इतना ही दिखाना था।
ये देख सकते हैं पहले का पिस्टन ये इस तरीके से था, ये बाइक स्मोक दे रही थी, इंजन में कम ऑयल होने की वजह से इस तरह का स्क्रैच हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।